हेलो स्टूडेंट, आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स। देखते हैं फिजिक्स पूरा बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, यानी आप लोग नाइन्थ क्लास में फिजिक्स पढ़े होइएगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पे देखिए आप पूरा बेसिक से, ये चीज़ है कि थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है फिजिक्स, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के देखना होगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं आज हम फिजिक्स, हम अपना भर कोशिश करेंगे पूरा बेसिक से लेके आपको समझाने का, फिर देखते हैं आगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या फिजिक्स में कि फिजिक्स शब्द आया कहाँ से। तो सबसे पहले जानिए ये एक ग्रीक शब्द है। यह कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। तो सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले बना था क्या? फ्यूसिस, यानी फ्यूसिस था ग्रीक शब्द। फ्यूसिस के बाद क्या हुआ? फ्यूसिस से फिर बना क्या? फ्यूजिका, फिर क्या? फिजिका, फिर क्या? फिजिक्स। यानी हम यहाँ देख रहे हैं क्या, फिजिक्स का जो अंग्रेजी शब्द है फिजिक्स, ये सबसे पहले क्या था? ग्रीक शब्द फ्यूसिस था। क्या था? फ्यूसिस। यानी फ्यूसिस से ही क्या हुआ है? फिजिक्स का निर्माण हुआ है। चलिए अब देखिए, अब इसमें तो बहुत सारे चैप्टर हैं, तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम एक नई कड़ी शुरू करेंगे, क्या? नया चैप्टर मोशन के बारे में। क्यों? मोशन मीन्स गति, क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के गति के नियम, तीन नियम थे, और इसी तीन नियम पे 50% फिजिक्स डिपेंड करता है। अगर आपको ये तीन नियम समझ में आ गया तो आपका आधा फिजिक्स समाप्त हो गया। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये मोशन, और थोड़ा टफ भी था। तो हमने क्या सोचे कि आपको हम पहले मोशन ही पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन। तो आइए मोशन, तो सबसे पहले मोशन को समझेंगे, गति को समझेंगे। ग्राफ आप लोग देखे होइएगा, तो आइए ग्राफ से हम शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले क्या, हम ग्राफ से समझते हैं कि मोशन क्या होगा, रेस्ट क्या होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप समझिए मोशन कि सीधा क्या, हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या करते हैं मोशन क्या, जैसे कोई भी ए यहाँ बी दो पॉइंट था, अगर कोई भी जो है यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, वो क्या किया? मोशन किया ना। लेकिन एक चीज़ है, क्या मोशन जो है मोशन सबके लिए मोशन होगा? तो मतलब क्या, अगर कोई व्यक्ति जैसे मेरे लिए गति में है तो क्या वो आपके लिए भी गति में होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये सब भी अभी आपको हम समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ, तो देखिए हम दो ग्राफ लिए हैं, आइए दोनों ग्राफ से अभी हम समझेंगे रेस्ट और मोशन कैसे होगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे दो ग्राफ लिए ये हम, पहला ग्राफ ए, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस, एक्स पे आपका टाइम लिखा हुआ, समय, ये आपका है पोजीशन। अब देखिए, अगर आप नाइन्थ में पढ़े होइएगा तो आपको ग्राफ पढ़ना आता होगा। अगर आपको अभी तक ग्राफ के बारे में कुछ पता भी नहीं है तो आप ध्यान से एक बार देखिए, वीडियो के बाद आप कहोगे हाँ हम ग्राफ पढ़ सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले ग्राफ पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो ये इसलिए ग्राफ है एक्स वाई, जो ये लाइन दिया हुआ है, इस पर कहीं भी अपना मन से हम दो पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? इस पर हम क्या करेंगे, टू पॉइंट अपना मन से कहीं भी लेते हैं, टू पॉइंट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल जो एक्स एक्सिस है, क्या समय वाला जो है एक्स अक्ष, इस पर हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी क्या करेंगे, हम सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए एक सीधी लाइन यहाँ पे हम लोग खींच रहे हैं, सीधी लाइन खींचे, सीधी लाइन स्टेप बता रहे हैं कैसे ग्राफ बनाएंगे हम। पहले हम क्या किए, इस लाइन पे हम कहीं भी दो पॉइंट ले लिए। अब उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक्स पे और वाई पे दोनों पे लाइन खींचेंगे। यहाँ देखिए, इससे लिए हम किस पे लाइन, यहाँ देखिए एक्स से लिए हम वाई पे लाइन ऐसे, और एक्स पे लिए ऐसे। फिर दूसरा पॉइंट क्या किए हम, फिर दूसरा पॉइंट तो हम लिए ऐसे और ऐसे लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा कि समय जो था, पहले समय था यहाँ पर, पहले समय यहाँ पे था, और ये क्या था आपका पोजीशन, पोजीशन यहाँ थी, पोजीशन आपकी कहाँ थी, यहाँ थी, ये आपकी पोजीशन थी, ये आपकी समय थी। अब फिर हम क्या देख रहे हैं, कुछ समय के बाद फिर जब हम लोग समय को बढ़ा रहे हैं, समय को बढ़ाए हैं, लेकिन पोजीशन क्या है, फिर भी ये पोजीशन, ये पोजीशन कहाँ, यहीं पे है। यानी क्या समझे कि समय को चेंज हो रहा है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, समय जो, टाइम जो आपका है, ये को बदल रहा है, लेकिन इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है, स्थिति है, ये नहीं बदल रही है।
यही देखे ना कि मतलब क्या, यहाँ भी समय था तो यहाँ इसकी पोजीशन यहाँ थी, फिर जब हम समय थोड़ा आगे बढ़ाए यहाँ लाए, फिर यहाँ से भी पोजीशन फिर यहीं आ गई। यानी हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा टाइम समय क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो पोजीशन है ये आपका क्या है, नो चेंज, यानी चेंज नहीं हो रहा है। तो अब आप हमें बताइए ये कैसा है, इसका स्थिति कैसा है, कोई व्यक्ति ये जो ये ग्राफ जो आएगा, इस ग्राफ की स्थिति कैसी होगी, मोशन होगी या रेस्ट होगी, बताइए मोशन है कि रेस्ट है। देखिए समय बढ़ा लेकिन ये क्या है, पोजीशन नहीं बढ़ा। तो मतलब जैसे देखिए हम यहाँ खड़ा हैं, आधा घंटा 9 बजे भी हम यहीं खड़ा थे, 9:30 बजे भी हम यहीं खड़ा रह गए, 10 बजे भी हम यहीं खड़ा हैं, यानी भर दिन हम यहीं खड़ा हैं। समय तो बढ़ रहा है ना, लेकिन क्या मेरी स्थिति बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। तो हम क्या है, हम तो रेस्ट हैं, क्या हम मोशन किए, नहीं किए, यानी हमारे द्वारा कोई भी मोशन नहीं किया गया, गति नहीं किया गया। तो बताइए आप लोग ये कैसा होगा, ये आपका होगा रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या, विराम अवस्था। तो अभी हम उम्मीद करते हैं आप ये विरामा अवस्था ग्राफ्स के माध्यम से समझे हैं, क्या समझे हैं विरामा अवस्था, आप अभी समझ लिए। अब देखिए हमने इस ग्राफ को समझ लिया, यानी हमने रेस्ट विरामा अवस्था को समझ लिया। आइए अब हम इस ग्राफ को समझते हैं फिर उसी तरह से, आपको क्या बताएं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे हम अपना मन से दो बिंदु लेंगे, दो पॉइंट लेते हैं कहीं भी, फिर उस दोनों पॉइंट से हम एक्स पे वाई पे समानांतर लाइन खींचेंगे और फिर हम देखेंगे। अपना मन से फील नहीं करना है, होता क्या है कि हम लोग देख लेते हैं ग्राफ को ऐसे, अच्छा ये रेस्ट में है, ये मोशन में है, फील कर लेते हैं, अपना मन से फीलिंग नहीं लाना है इसमें। पहले वो काम कीजिए जो हम बोले हैं, क्या बोले हैं, पहले क्या कीजिए, अपने मन से दो पॉइंट लीजिए। चलिए हमने दो पॉइंट यहाँ पर ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे। देखिए यहाँ से ड्रॉ कर लिए, देखिए हम ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, समय जो है यहाँ से यहाँ आया, और ये जो है क्या पोजीशन भी क्या हुई, पोजीशन क्या लाइन ये है वाई वाला, तो पोजीशन क्या हुआ यहाँ आया ना, और समय भी बढ़ा, यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, समय भी बढ़ा पोजीशन भी बढ़ा। फिर यहाँ समय यहाँ आया और देखिए पोजीशन भी कहाँ आया, यहाँ आया, यानी हम क्या देख रहे हैं, समय भी बढ़ा इतना और पोजीशन भी बढ़ा इतना। मतलब क्या, समय के साथ साथ पोजीशन भी बढ़े, यानी समय के साथ साथ पोजीशन भी जब बढ़े तो ये क्या होता है, यही तो होता है मोशन। यानी क्या, हम 9 बजे यहाँ थे, 9 बजे हम अभी स्टूडियो में हैं, फिर क्या होगा 9:30 बजे हम नीचे ऑफिस में जाएंगे शूट करने के बाद, फिर 10 बजे हम कहीं दूसरे काम में जाएंगे, फिर 12 बजे हम घर जाएंगे। मतलब हम क्या देखें, समय ज्यों ज्यों समय बढ़ रही थी, हमारी पोजीशन जो थी, हमारी पोजीशन भी बदल रही थी, अभी यहाँ स्टूडियो में, फिर नीचे ऑफिस में, फिर घर जाएंगे, तो ये बढ़ रही है ना, यानी मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो यानी क्या, हम मोशन किए, गति किए, तब ना हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए। तो यानी ये आपका क्या हुआ, यही तो आपका हुआ मोशन का, ये आपका क्या हुआ मोशन, यानी क्या गति। अब देखिए एक आता है टर्म एक समान गति, ये क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। ये देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगा इतना ही समय यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, जितना दूरी हम यहाँ से यहाँ आए उतना ही दूरी इतना समय भी यहाँ। मतलब क्या, जब हम समान समय में समान दूरी क्या करेंगे, यानी अगर हम 10 मिनट में जा रहे हैं 5 किलोमीटर, फिर अगला 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर, जैसे यहाँ समझिए यहाँ से यहाँ आए हम 10 मिनट, 10 मिनट में हमने आया 2 किलोमीटर, फिर 10 मिनट में हमने आया 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से 10 मिनट में हमने आया 2 किलोमीटर। यानी हम क्या देख रहे हैं, समय भी सेम और दूरी भी सेम, यही क्या हुआ यूनिफॉर्म मोशन, एक समान मोशन। तो आइए अब कुछ और देखते हैं। देखिए अब अभी हम लोग
बस एक नॉर्मल समझे हैं ग्राफ पे, क्या समझे हैं, रेस्ट और मोशन समझे हैं ग्राफ पे। अभी इसकी परिभाषा भी आपको हम लिखा देंगे, ऐसे वो बस लिखने के लिए है। मेन था समझना, फिजिक्स है समझने की चीज़ है, इसमें आप चाहोगे खेल खेल कर लेना वो नहीं होने वाला, आपको कॉपी कलम लेके नोट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कम बस कमेंट करेंगे और टाइम पास हो जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स है, आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना पड़ेगा। आइए अब देखिए, कभी कभी आपको नाम पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे बताइए आप, जैसे इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, टाइम पोजीशन ग्राफ बोलेंगे या पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। यहाँ देखिए हम क्या बोलें, इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ या टाइम पोजीशन ग्राफ, बताइए आप लोग इसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पोजीशन ग्राफ बोलेंगे या इसे हम टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे, बताइए इसे हम क्या बोलेंगे। बोलिएगा ये क्या हुआ, ये क्या पूछ रहे। हाँ कभी कभी आपको क्या होगा, आपको एग्जाम में लिखा रहेगा, आप जो है एक पोजीशन टाइम ग्राफ ये है, आप उसको ड्रॉ कीजिए, या एक पोजीशन टाइम ग्राफ है जिसका क्या दूरी ये है वो ये है और बनाइए, तो वहाँ आप फंसिएगा। कैसे आप पता कीजिएगा, देखिए जो वाई एक्सिस पे लिखा रहे, वाई आपका ये है, जो वाई एक्सिस पे लिखा रहे उसे हम पहले लिखेंगे, फिर से सुनिए, जो वाई एक्सिस पे लिखा रहे उसे हम पहले लिखेंगे और जो एक्स एक्सिस पे है उसे हम बाद में लिखेंगे। तो अब आप हमें ये बताइए, वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, पोजीशन, क्या लिखा हुआ है, पोजीशन, तो और एक्स पे टाइम, तो ये ग्राफ कैसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ना कि टाइम पोजीशन ग्राफ, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर से समझिए, वाई एक्सिस पे जो लिखा रहेगा, वाई पे खड़ा लाइन उसे हम पहले लिखेंगे, लेटा हुआ लाइन को हम बाद में लिखेंगे, बताइए। उसी तरह से इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, ये जो ग्राफ आपका है मोशन वाला या फिर क्या एक समान गति या क्या एक समान गति, क्यों, क्योंकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं, उतना ही समय में उतना ही दूरी, मतलब क्या दूरी भी कॉन्स्टेंट है समय भी कॉन्स्टेंट है, यानी एक समय में जितना दूरी जा रहा उतना ही समय, मतलब क्या इस फिक्स है, यानी ये क्या हुआ, एक समान गति हुआ। बताइए इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे, इसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे या टाइम पोजीशन ग्राफ बोलेंगे। देखिए क्या बोले थे, वाई एक्सिस पे जो लिखा रहेगा उसे हम पहले बोलेंगे, एक्स वाले को बाद में, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। यह आया समझ में। आइए एक दो और ग्राफ हम देखते हैं, पहले थोड़ा सा ग्राफ समझ लीजिए, दो चार ग्राफ समझा देते हैं, फिर इसके हम नॉमिकल क्वेश्चन भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पहले ग्राफ समझिए। चलिए अब देखिए तीसरा ग्राफ, अभी हम दो ग्राफ समझे हैं, अब देखिए तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ में हम क्या यहाँ देखेंगे, फिर क्या बोले थे आपको, किसी भी ग्राफ को हम कैसे पढ़ेंगे, अपना मन से फील नहीं करना है। हाँ चलो ग्राफ देख लिए, अभी कर नहीं, फिर वही काम कीजिए आप, क्या कीजिए, अपना मन से आप दो पॉइंट लीजिए, क्या कीजिए आप, दो पॉइंट कहीं भी जहाँ आपका दिल करे लाइन पे ले लीजिए। अब इसे क्या कीजिए आप, एक्स और वाई दोनों से मिलाइए, देखिए कैसे मिल रहा है, यहाँ पे मिला दिए, फिर देखिए मिला दिए। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा गौर से अगर आप देखिएगा आप क्या पाइएगा, समय जो था, समय देखिए, समय एक है, समय ये है, इस समय पे पोजीशन कहाँ था, यहाँ था, देखिए इस समय पे पोजीशन यहाँ था, फिर देखिए आप इसी समय पे पुनः इसी समय पे पोजीशन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब आप हमें बता दो क्या ये संभव है, एक ही समय पे अलग अलग पोजीशन संभव है। अभी हम इस समय आप लोग को पढ़ा रहे हैं स्टूडियो में, क्या अभी इसी समय एग्जैक्ट टाइम पे हम ऑफिस में भी बैठे रहें, ये संभव है, ये संभव नहीं है। यानी अब बताइए आप लोग क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, नहीं, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, यानी ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ संभव नहीं है, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, असंभव ग्राफ। कैसे, आप एक बार फिर समझिए, हम क्या देख रहे हैं, पोजीशन को चेंज हो रही है, पोजीशन पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, पोजीशन तो चेंज है लेकिन समय चेंज नहीं है,
समय कॉन्स्टेंट है, और जब समय कॉन्स्टेंट रहे पोजीशन चेंज हो जाए, और ये संभव प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा, क्या बताइए 9:30 पे आपको घर पे रहना है, और क्या 9:30 पे आप फिर मार्केट में जा सकते हैं उसी समय पे? नहीं, यानी एग्जैक्ट समय पे आप दो जगह तीन जगह नहीं जा सकते हैं। और ये संभव भी कब होगा? जब आपकी स्पीड अनंत हो। हाँ, ये संभव होगा, लेकिन संभव कब होगा? जब आपकी स्पीड अनंत हो। अनंत मतलब क्या? अनंत। और आपको पता है मैक्सिमम स्पीड किसकी होती है? प्रकाश की होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब आपको पता भी होगा क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है ना? ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक। तो क्या ये अनंत हुआ? नहीं हुआ अनंत, ये भी तो अनंत नहीं हुआ। तो बताइए क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, यानी ये ग्राफ कभी भी संभव नहीं होगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं दूसरा ग्राफ। तो हम ये ग्राफ समझ लिए, क्या समझे हम? देखिए ये क्या लिखे थे आपको हम, निर्वात में प्रकाश की चाल, और यही क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यही क्या होती है? मैक्सिमम। तो ये भी अनंत नहीं है। तो बताइए क्या ये ग्राफ संभव है? नहीं, यानी हम इसे क्या लिखेंगे? दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल। दिस ग्राफ फिर क्या होगा? इम्पॉसिबल। आइए अब समझते हैं चौथा ग्राफ, डी नंबर, फिर वही बात। यहाँ देखिए, अच्छा ये बताइए आप, इसको हम क्या नाम देंगे? क्या बोले थे? वाई एक्सिस पे जो लिखा रहेगा उसे हम पोजीशन बोलेंगे, एक्स वाला को हम टाइम बोलेंगे। ये ग्राफ कैसा हुआ? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आइए यहाँ पे, अब फिर इस ग्राफ में भी हम क्या करेंगे? अपने मन से हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है? अपने मन से नहीं सोचेंगे, बस दो पॉइंट हम लेंगे। देखिए अब ऐसा पॉइंट हमें लेना है कि क्या दोनों के समानांतर पॉइंट लेते हैं, दोनों के समान। तो दोनों के समान दो पॉइंट एक यहाँ ले लिए, और इसके समान एक हम यहाँ ले लिए। अब देखिए, डालिए कर्व यहाँ से, ऐसे किए फिर ऐसे, फिर यहाँ से देखिए कर्व डालें, एक और पॉइंट लीजिए आप, एक और ले लीजिए समानांतर इसके, एक और लीजिए, यहाँ देखिए। अब आप हमें ये बताइए, देखिए दो पॉइंट हम लिए थे दोनों जगह पे। देखिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पोजीशन क्या, देखिए पहला वाला में पोजीशन था, यहाँ पे पहला पोजीशन आपका कहाँ था? यहाँ पे था। और इसका टाइम कहाँ था? टाइम यहाँ पे था, यानी पोजीशन और टाइम यहाँ था। फिर देखिए दूसरा बार क्या हुआ था, फिर यहाँ देखिए दूसरा बार में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पोजीशन इसका यहाँ आ गया, पोजीशन यहाँ। क्यों? क्योंकि ये पहला ग्राफ ये था, ये वाला पोजीशन क्या हुआ? बढ़ गया। लेकिन समैया कहाँ है? समय वहीं पे आपका है, समय आपका वहीं पे है। यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी वही हाल है। क्या हाल है? समय जो यहाँ फिक्स है, समय फिक्स है, लेकिन पोजीशन पहले यहाँ था, फिर पोजीशन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यानी वही बात, एक समय पे व्यक्ति अलग अलग जगह पे, ये संभव नहीं है। फिर देखिए दूसरा, अब यहाँ देखते हैं पोजीशन यहाँ पे है और समय यहाँ पे है, ये वाला ग्राफ में ये पोजीशन यहाँ, समय यहाँ। फिर आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, फिर क्या हुआ यहाँ पे, पोजीशन आ गया यहाँ, लेकिन फिर भी समय यहीं है, और ये भी संभव नहीं है। यानी हम क्या कर सकते हैं, दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, यानी यह ग्राफ भी संभव नहीं है। अभी हम दो ग्राफ देख लिए, अब तीसरा ग्राफ भी अभी हम देख लिए। क्या यह ग्राफ क्या था? यह ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। चौथा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हैं एक समय पे हम अलग अलग स्थान पे नहीं जा सकते हैं, इस समय हम यहाँ हैं और इसी समय हम नीचे भी नहीं जा सकते हैं, यानी एक टाइम पे हम एक ही जगह पे रहेंगे। यानी आप अभी हम चारों ग्राफ देख लिए, अब आइए कुछ और देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? जी मोशन की। आपको बताए थे हम कुछ देर पहले, क्या बताए थे कि जो चीज़ आपके लिए मोशन में है वो चीज़ किसी और के लिए मोशन में नहीं है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, कैसे समझेंगे ये देखिए, हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। यहाँ पे नाम आप लोग बताइए क्या रखा जाए, इसका नाम आप ही लोग डिसाइड कीजिए क्या रखें, नाम बोलिए क्या रखा जाए इसका, जो कहिए आप, चुन्नू मुन्नू और चुन्नी मुन्नी। देखिए चुन्नू मुन्नू क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। यानी ए जो है बी को देख रहा है, सरसरी निगाह से देख रहा है। अब देखिए
ये इसको देख रहा है तो इसे ये क्या लग रहा है? इसे लग रहा है ये रेस्ट पे है, ये खड़ी है, ये जो है मासूका, ये क्या, इसकी मासूका ये खड़ी है, इसके लिए खड़ी है। क्या बताइए, हमारे लिए आपके लिए ये खड़ी है या खड़ी हो सकती है? नहीं, खड़ी हो भी सकती है और खड़ी नहीं भी हो सकती है, कैसे? या बैठी हो सकती है, बैठी नहीं हो सकती है, कैसे? देखिए, दोनों प्रेमी प्रेमिका दोनों है, ये चुन्नू मुन्नू चुन्नी मुन्नी ट्रेन में सफर कर रहा है, दोनों एक दूसरे के समानांतर सीट पे बैठा हुआ है, ट्रेन छुक 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 चल रही है। अब देखिए, चुन्नू मुन्नू देख रहा है अब अपने बी के तरफ, तो इसे क्या लग रहा है? इसे लग रहा है ये तो बैठी हुई है, ये तो रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, ठीक है। और ये भी देख रही है इसे कि क्या, ये भी चलो ये भी तो रेस्ट में है, ये भी मोशन में नहीं है। लेकिन बाहर जो व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, बताइए उसके लिए जो बी, जो चुन्नी मुन्नी इसके लिए रेस्ट में थी, किस में रेस्ट में थी, क्या यही जो व्यक्ति खेत में एक खेत से यहाँ देख रहा है ट्रेन में, क्या इसके लिए ये रेस्ट में है? नहीं है, यानी ये मोशन में है। तो ये कहना संभव नहीं है कि जो व्यक्ति आपके लिए रेस्ट में है वो मेरे लिए भी रेस्ट में होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, ये क्या होती है, ये आपकी होती है क्या सापेक्ष, रिलेटिव, रिलेटिव के आधार पे हम बोलेंगे। कैसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट हम कैसे इसे कहेंगे, जैसे कि समझिए यहाँ पे कि ये जो मोशन होता है, मोशन मोशन आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये क्या आपका है, ये आपका है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी सापेक्षता के आधार पे, यानी यूनिवर्सल ये नहीं है कि सबके लिए एक समान, नहीं। मोशन अगर कोई भी चीज़ जो है हमारे लिए मोशन में है, किसी और के लिए मोशन में वो नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, कैसे? समझिए पहले रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसे होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं घर में पापा का, पापा है मेरे लिए, वो क्या है, पापा जी हैं। मेरी मम्मी के लिए, यानी आपके मम्मी के लिए वो क्या होंगे, हस्बैंड होंगे। दादाजी के लिए वो क्या होंगे, वही पापा, उनके लिए बेटा है। यानी हम यहाँ क्या देख रहे थे, पिताजी जो थे, पिताजी का क्या था, रोल बदल रहा था, यानी देखने वाले के नज़रों से ना, यानी जैसा नज़र है देखने वाला का, देखने वाले के हिसाब से उनका पोजीशन था, यानी उनका अथि था। अब देखिए इसी को फिर हम क्या करेंगे, पापा का नाम है, मान लेते हैं कुछ नाम है, मान लेते हैं मोहन, मोहन प्रकाश नाम है, मेरे लिए भी नाम है मोहन प्रकाश, मम्मी के लिए, आपके मम्मी के लिए भी नाम क्या होगा, मोहन प्रकाश, दादाजी के लिए भी क्या बोलेंगे उनको, मोहन प्रकाश। यानी नाम हम क्या देखें, नाम जो था वही था, लेकिन उनका जो रिलेशन था, रिश्ता था, क्या वो था सेम? नहीं। वो किस पे डिपेंड किया, देखने वालों के नज़रों पे। जो कहते हैं ना, सुंदरता देखने वालों के नज़रों में छिपी होती है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, वही बात है। गति जो है, मोशन जो है, यह देखने वाले पे निर्भर करेगा। एक ही लाइन, अभी हम अभी इतना जो हम समझे, क्या समझे, हम यही समझे मोशन जो है, गति जो है, ये देखने वाले के आंखों पे निर्भर करेगा। ना जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके लिए मोशन में है तो वो व्यक्ति उसके लिए भी मोशन में होगा, नहीं। जैसे बस में हम लोग बैठ के जा रहे होते हैं तो बस में जितने भी लोग बैठे हैं सब क्या हैं, सब रेस्ट पे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन बाहर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए हम सब क्या है, मोशन में है, समझ लिए। अब आइए इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं, रेस्ट और मोशन का। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।